हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से हम आप सब फिर लेकर गया है एक बहुत ही बढ़िया शानदार वीडियो। अगर आप पेपर प्लेट से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक है हमारा कि मशीन में करंट क्यों आता है। चलिए देखते हैं कि मशीन में करंट क्यों आता है और इसको कैसे ठीक करें, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि करंट आना बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर करंट आता है तो सबसे बड़ा खतरा वाला बात है। तो इसलिए आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि मशीन में करंट क्यों आता है और इसको ठीक कैसे किया जाए। देखिए दोस्तों, मशीन में करंट आने का दो कारण होता है। पहला क्या होता है कि मशीन में जब भी आप स्टार्ट करें तो हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ टेस्टर के साथ स्टार्ट करें। जब भी स्टार्ट करें तो टेस्टर लाइट मशीन में देते ही पहले टेस्टर से चेक करें, उसके बाद मशीन को टच करें, वरना करंट आएगा तो बहुत ही बुरी तरह से झटका लगता है। हमें 2-3 बार लग चुका है, अपने एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं। जब भी पहले टेस्टर से चेक कीजिए, उसके बाद मशीन को टच कीजिए। तो पहला कारण क्या है मशीन में करंट आने का, ये जो हीटर का तार जो हम जोड़ते हैं, ये तार का एक आध कोई जो तार होता है एक पतला पतला होता है, तो एक आध अगर इधर उधर हो जाता है तो बॉडी में टच होता है कहीं से, तो उसकी वजह से करंट आता है। और वो चीज़ आप नहीं देख पाते हैं, सब जो चेक कर लेते हैं कि मशीन में फिर भी करंट आ रहा है और करंट कहीं से पता नहीं चलता है कहाँ से आ रहा है। तो ये सब को जब चालू करें तो ये सब को थोड़ा बारीकी से ध्यान रखें। और एक है जो नीचे जो वायर है ये सब, तो इन सब में क्या होता है कि कई बार ये टेप लगने के बाद भी एक आध कन्नी जो होता है तार का, वायर का पतला वाला, वो कहीं से निकल जाता है बाहर, और वो अगर कहीं बॉडी में टच होता है तो उससे करंट आता है और वो पता नहीं चलता, क्योंकि ये तो टेप लगा हुआ, लोग सोचते हैं तो टेप तो लगा हुआ ही। तो हर टेप को, हर कटा हुआ जहाँ भी वहाँ बिल्कुल बारीकी से चेक करें ताकि करंट कहीं से वहाँ से पास ना हो और करंट मशीन में ना आए। और दूसरा चीज़ जो हीटर है, तो अगर सारा तार आपका ठीक है, मशीन में हर कहीं कटिंग कट नहीं है, सब जगह आपका लगता है कि ठीक है हमारा मशीन, तो फिर क्या किया जाए कि ये जो आपका हीटर है इसको पहले तार निकाल लें और निकाल के फिर मशीन में चेक करके देखें कि अगर यदि फिर भी करंट आ रहा है तार निकालने के बाद भी, तो समझिए कहीं और फॉल्ट है, फिर ये हीटर आपका ठीक है। क्योंकि हीटर ख़राब होने से भी करंट आता है, तो इस हीटर को तार दोनों खोलने के बाद अगर करंट फिर भी मशीन में आ रहा है तो फिर इसको चेक कीजिए, फिर इसको तार खोल के चेक कीजिए, अगर फिर भी आ रहा है तो समझिए कि मशीन में कहीं है। क्योंकि अगर मशीन में किसी तार में कोई कटपीस नहीं है तो 100% आपको हीटर से ही करंट आता है। तो देखिएगा कि अगर आप तार खोलने के बाद टच कीजिएगा मशीन में तो आपको करंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर इधर तार ठीक है आपका इस सब में तो 101% हम कहते हैं कि आपको ये हीटर से ही करंट आता है। क्योंकि हीटर अंदर से शॉर्ट हो जाता है तो हीटर ख़राब